Hello students, in this lecture we are going to study about Newton's third law. इसका एक और नाम है एक्शन रिएक्शन लॉ. इसका नाम ये क्यों पड़ा वो हम सब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. तो अगर हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ की, तो न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो फिर सेकंड बॉडी भी उतना ही फोर्स फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करता है. ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इफ ए बॉडी अप्लाई फोर्स ऑन another body then second body also apply same force on the first body but in opposite direction. तो ये हमारा है न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसमें न्यूटन ने बताया कि इफ ए बॉडी अप्लाई फोर्स ऑन अनदर बॉडी, अगर दो बॉडीज हैं और फर्स्ट बॉडी सेकेंड बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है तो सेकेंड बॉडी भी फर्स्ट बॉडी पे उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी. इसे सपोज करिए ये हमारे पास एक बॉडी है ए एंड दिस इज बॉडी बी, और ये बॉडी बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है एफ ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स ऑफ बॉडी ए ऑन बी. तो बी बॉडी भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, इसको हमने नाम दिया एफ बी ए, फोर्स ऑफ बॉडी बी ऑन बॉडी ए. तो ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो हम इसको क्या करते हैं एक माइनस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब इनकी वैल्यू इक्वल रहेगी, बट दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी अपोजिट होगी. तो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ. मैंने आपको बताया था कि इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं. इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि फॉर every action there is equal and opposite reaction. कि किसी भी एक्शन के लिए कोई भी फोर्स हम जब अप्लाई करते हैं उसका मतलब है यहाँ पे एक्शन से देयर इज इक्वल, मतलब उतना ही फोर्स वापस लगेगा, एंड अपोजिट रिएक्शन, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी. तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो दो फोर्स थे, एक हमारा एक्शन फोर्स है और जो दूसरा फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स. तो यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्शन
एफ से मतलब है हमारा फोर्स, एक्शन से मतलब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये दो हमारे फोर्स हो सकते हैं। तो ये भी हमारी एक डेफिनेशन है न्यूटन्स थर्ड लॉ की, कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जितना फोर्स, ये जितना एक्शन फोर्स कोई भी पर्टिकुलर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है, तो सेकंड बॉडी भी उतना ही रिएक्शन फोर्स, बस उस फोर्स का हमने नाम दे दिया रिएक्शन फोर्स, फर्स्ट बॉडी पे अप्लाई करती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें एक और बात आती है कि अगर फोर्स इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते होंगे। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, लेकिन दोनों कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नेट फोर्स जीरो किसी एक पर्टिकुलर बॉडी को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उस पर्टिकुलर एक बॉडी पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट फोर्स ज़ीरो कर सकते हैं। यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है ये दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करता है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये बॉडी बी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है और बी बॉडी ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो हमेशा एक्शन और रिएक्शन ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर। दूसरा, दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर बिकॉज दे ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। क्योंकि एक्शन और रिएक्शन फोर्स दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं तो ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्योंकि कभी भी अगर हम नेट फोर्स की बात करते हैं तो वो सिंगल बॉडी की बात करते हैं। जब फोर्स एक पर्टिकुलर बॉडी पे अमाउंट ऑफ फोर्स जितने भी लग रहे हैं अगर वो ज़ीरो होता तो हम बोल सकते थे कि नेट फोर्स ज़ीरो है। यहाँ पे फोर्स अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स दे एग्जिस्ट इन पेयर, ये एक साथ कभी भी किसी भी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, कि अगर एक्शन फोर्स होगा तो उसका रिएक्शन फोर्स भी ज़रूर लगता है। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी भी कैंसिल आउट नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार दिमाग में आता है कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। लेकिन वो कंडीशन तब होती कि अगर हमारे पास एक बॉडी होती उसी पे एक्शन फोर्स लग रहा होता और उसी पे रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो हम बोल सकते थे कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, नेट फोर्स ज़ीरो होगा। लेकिन इसमें फोर्स क्या होते हैं, दो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, इसीलिए कभी भी नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता है और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। ठीक है, इसका और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम वॉल को हिट करते हैं तो हमें चोट लगती है, क्योंकि हमने क्या किया, वॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और वॉल ने हमारे हैंड पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया, तो जितने तेज़ी से हम वॉल में हिट करते हैं उतना ही ज़्यादा हमें हर्ट होता है, क्योंकि चोट हमें इसीलिए लगी क्योंकि उसने रिएक्शन फोर्स हमारे हैंड पे अप्लाई किया। वरना अगर एक ही बॉडी पे लगता होता फोर्स, मान लीजिए वॉल पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और उसी पे लग जाता तो हमें चोट नहीं लगती। यहाँ पे चोट लग रही है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स पेयर में एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन दो अलग अलग बॉडीज पे एक्ट
करते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ देखते हैं। तो पहला प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसका अगर हम देखेंगे कि जब हम वॉक करते हैं, व्हेन वी वॉक, जब हम चलते हैं तो हम लोग ग्राउंड पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, पैरों से पुश करते हैं और ग्राउंड हमें क्या करता है, रिएक्शन फोर्स हमारे फीट पे लगाता है और हम लोग फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं। दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। इसमें क्वेश्चन बनता है हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं। तो उसमें चलने के लिए हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि व्हेन वी वॉक वी अप्लाई एक्शन फोर्स ऑन द अर्थ एंड इन रिटर्न अर्थ अप्लाई इक्वल रिएक्शन फोर्स ऑन द फीट और फुट एंड वी वॉक फॉरवर्ड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ का। दूसरा इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिनोमेनन आता है रिकॉइल ऑफ गन। रिकॉइल से मतलब होता है जर्क करना। आप जिन लोगों ने भी गन चलाई होगी या मेले वगैरह में फेयर में हम जाते हैं तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा शूटिंग करते हैं, तो जब भी हम गन को फायर करते हैं तो हम देखते हैं कि गन क्या करता है, हल्का सा बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्क करता है। ठीक है, तो ये जर्क कहाँ से आया, तो आंसर है कि गन क्या करता है, बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिएक्शन फोर्स बुलेट गन के ऊपर लगाता है जिसकी वजह से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल होती है, उसको हम बोलते हैं रिकॉइल ऑफ गन। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से न्यूटन्स थर्ड लॉ को समझ सकते हैं। और भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे व्हेन वी जंप आउट ऑफ बोट तो हम बोट को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं और हम आगे मूव कर जाते हैं। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। थैंक यू।